भाषा। आओ बच्चों, इन चित्रों को देखें। गुड़िया फोन पर बात कर रही है और चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं। ये सब अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। बस यही भाषा है। आप सोचेंगे कि भाषा बनी कैसे? मनुष्य के मुख से कुछ आवाजें निकली थीं, जिनके साथ अर्थ या चित्र जोड़ दिए गए। कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। वह जिस चीज के चित्र को अपने सामने पाता, उसके साथ वह आवाज या नाम जोड़ देता। बस उसी से धीरे धीरे शब्द बने और फिर भाषा बन गई। बच्चों, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है, जिसके द्वारा वे अपनी बात एक दूसरे से करते हैं। हम और आप उनकी बात नहीं समझ सकते। हम और आप अपनी बात को भाषा द्वारा बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। अपने मन की बात या जरूरत एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम अपने विचार, जिसके द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं।